Welcome to Abhipedia guys, myself Dr. Dharmender and today I am going to discuss another important topic from current affair perspective, that is TPBAR TCV vaccine. Recently you have seen this vaccine in news. Now the my aim for today's class is what are vaccine, right? Then their procedure and abhi news ke andar jo tha conjugate vaccine. Now how conjugate vaccine is, right? So let us discuss. Okay, now what is vaccine? Vaccine करते क्यों? Vaccine आपने देखा होगा कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को हम वैक्सीन देते हैं. वैक्सीन का पर्पज क्या है? जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, अगर कोई हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी कैसे क्रिएट होती है, एक तो होती है इनहेरेंट के मदर से आ गई, दूसरी हमारी बॉडी एक्वायर करती है विद द टाइम. ना वो इम्यूनिटी कैसे एक्वायर होगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमारी बॉडी के अंदर जैसे कोई एंटीजन, अगर कोई टॉक्सिन, टॉक्सिन वैक्सीन का पर्पज क्या है, बेसिकली वैक्सीन क्या करती है, वैक्सीन को हम प्रिपेयर करते हैं जब उसके अंदर एक एंटीजन होता है, एंटीजन. जैसे फॉर एग्जांपल टाइफाइड, टाइफाइड को जब टाइफाइड डिजीज होगी तो क्या उस टाइम के ऊपर हमारी बॉडी उसके कर पाएगी, ओवरकम कर पाएगी? नो, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग. क्योंकि हमारी बॉडी ने पहले कभी टाइफाइड अगर नहीं हुआ किसी को, या फिर कोई भी डिजीज नहीं हुई, तो उस केस के अंदर जब वो पहली बार होगी हमारी बॉडी उसको ओवरकम नहीं कर पाएगी. क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है कि इसको ओवरकम कैसे करना, फर्स्ट टाइम जब एनकाउंटर होता है. नाउ द थिंग इज के वैक्सीन के अंदर हम एंटीजन, एंटीजन इज अ टॉक्सिन, टॉक्सिन बट एज कंपेयर टू दैट पर्टिकुलर डिजीज इसकी जो एफिकेसी और स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, ठीक है? तो इसको बॉडी के अंदर हम रिलीज करते हैं, ये बॉडी के अंदर जाएगा. नाउ इन दिस रिस्पॉन्स, बिकॉज दिस इज अ टॉक्सिन, हमारी बॉडी क्या करेगी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हमारी बॉडी उसको एंटीबॉडीज रिलीज करेगी. नाउ दिस लीड टू रिलीज ऑफ एंटीबॉडीज इन ह्यूमन बॉडी. हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज रिलीज करेगा क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर एंटीजन इज वेरी लेस. तो ऐसा नहीं है हमें बहुत ज्यादा डिजीज होती, हाँ कुछ केसेस के अंदर फीवर वगैरह कुछ हो सकता है, दैट्स इट. तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई वो पर्टिकुलर डिजीज, जैसे टाइफाइड है तो टाइफाइड हो जाएगा. नाउ व्हेन, अब टाइफाइड जब होगा, लेट अस सपोज टाइफाइड के केस के अंदर, अब जब बॉडी को वो एंटीजन टाइफाइड का एनकाउंटर करेगा, हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज फॉर दिस पर्टिकुलर एंटीजन इज ऑलरेडी प्रेजेंट, तो चांसेस हैं कि अब इसको ये ओवरकम कर जाएगा. नो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वैक्सीन. ओके, नो जैसा कि स्लाइड के अंदर लिखा हुआ है दैट इट प्रोवाइड एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या, जो हम एक्वायर करते हैं, राइट? इट कंटेन्स एन एजेंट दैट रिसेंबल अ डिजीज. एजेंट क्या है? दिस एंटीजन. ये उस डिजीज से रिसेंबल करता है. कौन सी डिजीज? यहां पर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं टाइफाइड की. अब टाइफाइड के केस के अंदर जो भी एंटीजन होगा उसे ये रिसेंबल कर रहा है, बट उसका उतनी स्ट्रेंथ नहीं है. इट मींस ये थोड़ी सी बॉडी, हमारी बॉडी एंटीबॉडीज जनरेट कर देगा, राइट? नो एजेंट स्टिम्युलेट बॉडीज इम्यून सिस्टम. अब ये एजेंट आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम को स्टिम्युलेट करेगा, जिससे आपकी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी, और जब वो फ्यूचर के अंदर आएगा टाइफाइड या कोई भी टॉक्सिन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज होंगी. सो चांसेस है कि हमें वो नहीं होगा. ओके, नाउ थोड़ा सा टाइफाइड के बारे में जान लेते हैं. टाइफाइड इज अ बैक्टीरियल डिजीज, क्योंकि ये यूपीएससी पूछ लेती है. याद रखना, बैक्टीरियल और वायरल डिजीज, ये दोनों के अंदर आपको पता होना चाहिए विच डिजीज इज अ बैक्टीरियल एंड विच वन इज वायरल डिजीज. सो स्प्रेड कैसे करता है? इंडिविजुअल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वाटर से, फूड से, ये सारे से स्प्रेड करता है. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि क्या ये एनिमल को इन्फेक्ट करता है? नहीं, नो एनिमल कैरी दिस डिजीज. सो बेसिकली ट्रांसमिशन क्या होगा? ह्यूमन टू ह्यूमन. दो या तीन चीजें आप याद कर लो यूपीएससी के एग्जाम के लिए. इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज, देन स्प्रेड. स्प्रेड कैसे होता है? थ्रू वाटर एंड अदर थिंग्स. थर्ड इज कि एनिमल के अंदर नहीं होता. सो इट इज अ बेसिकली ट्रांसमिशन फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन डिजीज, राइट? नाउ अब बात करते हैं कि अभी क्यों न्यूज के अंदर था. अभी एक वैक्सीन बनी है जिसका नाम है टिप्बार टीसीवी. नाउ टिप्बार टीसीवी वो बोलते हैं कि इट इज अ कॉन्जुगेट वैक्सीन. द रीजन कि देखो, पहले हम वैक्सीन देते थे वो टाइफाइड, वो कब देते थे कि जब जब बच्चा दो साल से ऊपर होता उस केस के अंदर देते थे. नाउ अभी इन्होंने बोला कि नहीं,
हम 2 साल से कम बच्चे को भी दे सकते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी आ जाएगी। नो द कंसेप्ट क्या है इसका कि कॉन्जुगेट वैक्सीन है। नो टिपवा टीसीवी इज अ कॉन्जुगेट वैक्सीन। नो वी शुड नो दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल वैक्सीन एंड कॉन्जुगेट वैक्सीन। यूपीएससी एस सच आपको ये नहीं पूछेगी कि हाँ भी एक कॉन्जुगेट वैक्सीन का प्रोसीजर क्या है, बट उसकी इंप्लीकेशन, अब इंप्लीकेशन या तो याद करोगे एग्जाम के अंदर कंफ्यूज होगे, तो इससे अच्छा कि हम उस कंसेप्ट को समझ लेते हैं, द कंसेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट वैक्सीन। ओके, नाउ द थिंग इज हमारी बॉडी के अंदर 2 ऐसे सेल है जो आपको स्टेट के एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं जो एंटीबॉडीज रिलीज करते हैं। वन इज टी सेल, अनदर वन इज बी सेल। ये काम करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, जो नॉर्मल वैक्सीन है जिसको हम बोलते हैं पॉलीसेक्राइड एंटीजन, विच इज जो नॉर्मल वैक्सीन के अंदर, नो दिस नॉर्मल वैक्सीन कंटेन्स पॉलीसेक्राइड एंटीजन। एंटीजन मैंने आपको बता दिया वो टॉक्सिन, ठीक है। नाउ द थिंग इज के पॉलीसेक्राइड एंटीजन है, इट इज अ टी सेल इंडिपेंडेंट, टी सेल इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं इसको। देखो ना, टी सेल और बी सेल हमारी बॉडी के अंदर है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। देखो टी सेल जो, अब छोटे बच्चे को, अगर आप छोटे बच्चे को बी ऐसी वैक्सीन दो जिसके अंदर टी सेल इनिशिएट करे, टी सेल वी कैन से टी सेल के सेंसिटाइज करे, उस केस के अंदर इम्यूनिटी ज्यादा आती है। अगर आपकी ऐसी वैक्सीन है जो टी सेल को साथ अटैच होती है, जो टी सेल को प्रमोट करती है कि एंटीबॉडीज या आगे बी सेल को प्रमोट करे, उस केस के अंदर भी आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। मतलब अगर कोई ऐसी वैक्सीन जो टी सेल को से साथ में नहीं रिलेट करती, इनिशिएट नहीं करती टी सेल को, मतलब टी सेल इंडिपेंडेंट है जो नॉर्मली वैक्सीन है, उस केस के अंदर आपकी बॉडी के अंदर लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी नहीं रहेगी, लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि ये मेमोरी सेल इतने स्ट्रांग नहीं होते। मतलब ये ट्रेडिशनल वैक्सीन सिर्फ किसके ऊपर काम कर रही है, ओनली ऑन बी सेल। बी सेल के केस के अंदर क्योंकि टी सेल नहीं करती, ना ये बच्चों के अंदर हम यूज कर सकते हैं, ना ही इसका लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी रहती है बॉडी के अंदर। सो दिस इज अ कंसेप्ट। नाउ पॉलीसेक्राइड एंटीजन इज प्रेजेंट इन ट्रेडिशनल वैक्सीन। नाउ कॉन्जुगेट वैक्सीन, कॉन्जुगेट वैक्सीन, कॉन्जुगेट वैक्सीन के अंदर ये बोलते हैं कि पॉलीसेक्राइड इसके अंदर भी रहेगा, पॉलीसेक्राइड एंटीजन प्लस प्रोटीन, राइट, प्लस प्रोटीन लेयर, इसको प्रोटीन के साथ हम कंबाइन करते हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलीसेक्राइड एज वेल एज प्रोटीन। नाउ द थिंग इज के दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है, नो दिस लीड टू इनिशिएशन ऑफ टी सेल, तो इसको बोलते हैं हम टी सेल डिपेंडेंट, टी सेल डिपेंडेंट। अब ये टी सेल के साथ काम करेगा। नो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलीसेक्राइड नॉर्मल वैक्सीन एज वेल एज कंजुगेट वैक्सीन। नाउ द थिंग इज जब ये टी सेल के साथ कंबाइन करेगा, दिस लीड टू लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी, लॉन्ग टर्म आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी आ जाएगी। नो दिस इज अ बेनिफिशियल। सेकेंड थिंग के दैट प्रोटेक्शन, नो नॉर्मल वैक्सीन के अंदर अराउंड 75% प्रोटेक्शन रहती है, वेर एज इन केस ऑफ कॉन्जुगेट इट इज अराउंड 82%। ओके, नो द सेकेंड द नेक्स्ट थिंग इज के कॉन्जुगेट वैक्सीन आप 9 साल से 16 साल के बच्चे को भी 16 मंथ से बच्चे को भी हम दे सकते हैं, वेर एज इन केस ऑफ नॉर्मल वैक्सीन ये नॉर्मली अबाउट 2 ईयर देते हैं, अबाउट 2 ईयर्स। अब आप देखो हमने कॉन्जुगेट वैक्सीन जो स्टार्ट की अभी भारत बायोटेक के अंदर, उन्होंने बनाई है कॉन्जुगेट वैक्सीन, दैट इज अ टिपवा टीसीवी। इट मींस कि हम बच्चे को भी दे सकते हैं, इसका प्रोटेक्शन भी ज्यादा है और इसके अंदर लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी भी रखती है, दैट इज अ। नाउ यूपीएससी यहां पे आपके क्वेश्चन पूछेगी वेरी हार्ड के भी यूपीएससी ऐसा पूछे कि इट इज अ टी सेल डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, बहुत ही रेयर है, बट मैंने करवा दिया क्योंकि अदरवाइज आपको ये कंसेप्ट नहीं समझ आता। तो टी सेल आप बच्चे के अंदर जैसे इनिशिएट होंगे, तो यहां पे होता क्या है बेसिकली,
ओके, आई होप कि आपको यह समझ आया होगा। नाउ द थिंग इज कि कॉन्जुगेट वैक्सीन जब काम करती है तो वहां पे बॉडी के अंदर क्या होता है। नाउ जैसे कॉन्जुगेट वैक्सीन आपने दी, एंटीजन, एंटीजन एक्सप्रेस करेगा बॉडी के अंदर। मैंने बताया कि एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आएगा। नो एंटीजन क्या करेगा, टी सेल को प्रमोट करेगा। नो टी सेल आपके बी सेल को इनिशिएट करेंगे एंड दिस लीड टू इनिशिएशन ऑफ मेमोरी सेल। जो मेमोरी, मेमोरी सेल बोलते हैं कि इसके अंदर मेमोरी रहेगी कि जब भी ये एंटीजन आएगा तो हमें क्या करना है उसके साथ, पता है ठीक है। मेमोरी सेल के बाद डब्ल्यूबीसी, जिसको हम मैक्रोफेज बोलते हैं, जो उसके साथ लड़ते हैं ठीक है, वहां पे जाके ये लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी क्रिएट कर देगी। दिस इज अ होल कंसेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट वैक्सीन, कॉन्जुगेट वैक्सीन कैसे काम करती है, लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी कैसे क्रिएट होती है ठीक है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट फॉर टूडेज क्लास, आई होप कि आपको समझ आया होगा। जैसे कि स्लाइड के अंदर भी लिखा हुआ है, मैंने सारा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लिनिकली प्रूवन कॉन्जुगेट वैक्सीन, टिब्बा टीसीवी इज वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रूवन ठीक है, भारत बायोटेक ने बनाई है इंडिया के अंदर। करंट वैक्सीन 75 एंड कॉन्जुगेट 82, देन अदर वैक्सीन हम नॉट बिलो 2 ईयर के बच्चे को, छोटे को नहीं देते क्योंकि उसके अंदर इतना इफेक्ट नहीं आता। वेर एज इसको हम दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि टी सेल को प्रमोट करती है एंड इट इज वेरी इजी इन चाइल्ड टू प्रमोट टी सेल, उसके अंदर बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं टी सेल छोटे बच्चे के अंदर ठीक है। तो इस केस के अंदर टी सेल प्रमोट कर रही है और टी सेल के बाद बी सेल को होता है और विच लीड टू लॉन्ग टर्म मेमोरी ठीक है। अगर फ्यूचर के अंदर कोई भी एंटीजन आया तो इट कैन वर्क राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टूडे फ्रॉम माई सेल्फ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और भी अगर कोई वीडियो बनानी है तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।